Hello all, welcome to my class. Today we are going to discuss part 2 of chapter number 23, our heritage. In my previous video, I have discussed about Chittor Fort. You all must have seen Chittor Fort. So Chittor ki maine importance batayi thi, Chittor famous kyun hai? Kyun famous hai Chittor? Maine aapko bataya tha previous video mein. Because ek to ye sabse largest hai. Second thing, इसमें राजस्थान के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है फोर्ट में. ओके, देन इसमें बड़े बड़े टावर्स बने हैं, वॉच टावर्स जिनको बोलते हैं भुज, ताकि जो आर्मी एनिमी की जो आर्मी है उन पे वॉच रख सके कि कब वो अटैक करने वाले हैं. ओके, एंड देन ये हाई एल्टीट्यूड पे है. हाई एल्टीट्यूड पे होने का मतलब है कि इजीली हम लोग एनिमी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब एनिमी हमें अप्रोच करने वाले हैं. ओके, देन मैंने बताया था इसमें रानी पद्मिनी ने जौहर कमिट किया था. ओके, जौहर क्या होता है? किलिंग ऑफ वनसेल्फ. जब कोई किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर किसी भी रीजन से एनिमी से बचने के लिए अपने आप को मार लेना, किलिंग ऑफ वनसेल्फ. ठीक है, खुद को मारना ताकि एनिमी की पकड़ में ना आए, उसको बोलेंगे जौहर. ठीक है, तो उसने जौहर कमिट किया था रानी पद्मिनी ने. तो ये सब चीजें मैंने बताई थी जिनकी वजह से चित्तौड़गढ़ फेमस था. नाउ सम मोर प्लेसेस, सम मोर फोर्ट्स आर देयर ऑफ राजस्थान विच आर ऑल्सो वेरी वेरी फेमस. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. फर्स्ट, रणथंभौर फोर्ट. रणथंभौर फोर्ट नाम आपने सुना होगा. ये तीन इंपॉर्टेंट फोर्ट के बारे में इस चैप्टर में बता रखा है, रणथंभौर फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट एंड देन कुंभलगढ़ फोर्ट. ओके, नाउ फर्स्ट वी आर टेकिंग रणथंभौर फोर्ट. नाउ रणथंभौर फोर्ट सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है. ओके, ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, नोट डाउन करते जाइए. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर राजस्थान. ओके, सो रणथंभौर फोर्ट सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है एंड इसमें एक फेमस टेम्पल है, गणेश टेम्पल, जिसका नाम है त्रिनेत्रा टेम्पल. त्रिनेत्रा गणेश टेम्पल. ओके, गणेश जी का टेम्पल है त्रिनेत्रा. नाउ इस टेम्पल का क्या खासियत है कि यहाँ पे पीपल जो है वो प्रे करते हैं उनकी हैप्पीनेस के लिए, कि वो हैप्पी रह सके. इसके लिए बहुत फेमस टेम्पल है ये त्रिनेत्रा गणेश टेम्पल. ओके, एंड देन राजस्थान का जो फर्स्ट शाखा है वो यहीं पे ही हुआ था. राजस्थान का फर्स्ट शाखा, ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शाखा? नाउ जो जैसे मैंने जौहर बताया था जो लेडीज करती है. ओके, एंड इसी तरह शाखा क्या होता है? जो मैन करते हैं, अगर उनकी वाइफ जौहर कमिट कर लेती है किसी भी रीजन से. ओके, तो जो मैन है, ये राजपूत मैन का एक रिचुअल है, तो मैन शाखा करते हैं. ओके, ये उनका एक रिचुअल है जिसमें वो अपनी वाइफ के लिए ये रिचुअल करते हैं. ओके, उनकी डेड बॉडी के आसपास वो चक्कर लगाते हैं. ओके, ये उनका एक राजपूत रिचुअल है शाखा. तो राजस्थान का जो फर्स्ट शाखा हुआ था वो रणथंभौर में हुआ. ओके, इसलिए ये फेमस है. एंड देन इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर बर्ड लवर्स. अगर किसी को बर्ड से बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है, या बर्ड्स को वॉच करने का बहुत मन करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स को, तो आप रणथंभौर जा सकते हो बिकॉज इट इज वेरी फेमस प्लेस टू वॉच बर्ड्स. ओके, तो रणथंभौर की इम्पोर्टेंस क्या होगी? रणथंभौर सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट. देन सेकेंड पॉइंट, इट इज फेमस फॉर त्रिनेत्रा गणेश टेम्पल. एंड देन राजस्थान फर्स्ट शाखा इज कमिटेड हेयर एंड देन इट इज ऑल्सो फेमस फॉर बर्ड वॉचिंग. ओके, नाउ कम टू मेहरानगढ़ फोर्ट. मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, तो आप जानते ही हैं. तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में मेहरानगढ़ फोर्ट है एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड इम्प्रेसिव. बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही सुंदर फोर्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट. और इसमें जो जो हेरिटेज चीजें हैं वो बहुत ही सेक्रेट रखी गई है. ठीक है, होली. ठीक है, बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड फोर्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट. ठीक है, कभी आपका मौका पड़े आप जरूर जाके आइए. ओके, देन जो इसकी वॉल्स है वो 36 मीटर हाई एंड 21 मीटर की विड्थ है, मतलब इतनी हाई वॉल्स है. ठीक है, देन
लार्ज इज इट हैज सेवन गेट्स। मेहरानगढ़ फोर्ट में सेवन गेट्स हैं और जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, मतलब बहुत घुमावदार फोर्ट बना गया ताकि एनिमी का जो अटैक हो सके, एनिमी घूम जाए उसमें, मतलब डायरेक्टली अटैक ना कर सके। ओके, बिकॉज इस फोर्ट में इतने ज्यादा ट्विस्ट है, टर्न्स है, ट्विस्ट है, टर्न्स है, तो एनिमी डायरेक्टली अटैक नहीं करेगी। अगर वो एक पाथ से आएगी तो वहां ट्विस्ट मिलेगा, फिर टर्न मिलेगा, फिर ट्विस्ट, फिर टर्न, ठीक है। तो एनिमी पे वॉच रखने के लिए ये ट्विस्ट एंड टर्न बनाए गए हैं इस फोर्ट में। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कम्स कुंभलगढ़ फोर्ट। नाउ कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, इट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड आई ऑफ मेवाड़। यू हैव टू नोट दिस आउट, आई ऑफ मेवाड़, इसको आई ऑफ मेवाड़ बोलते हैं। आई ऑफ मेवाड़ क्यों बोलते हैं? आई, आईज क्या काम आती है हमारे? देखने के, वॉच करने के, कुछ भी चीज हम देख सकते हैं आई से। ओके, तो आई ऑफ मेवाड़ इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस कुंभलगढ़ फोर्ट की हाइट है 1100 किलोमीटर अबव सी लेवल, मतलब इतनी ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है ये कुंभलगढ़ फोर्ट और बहुत ही सुंदर। ओके, एंड देन नाम से पता पड़ रहा है कुंभा, तो ये महाराणा कुंभा ने 15th सेंचुरी में बनाया था, कुंभलगढ़ कुंभा। ओके, यू कैन रिलेट इट। नाउ इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट वॉल, इसकी जो वॉल्स हैं वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में। ओके, जिसकी लेंथ है 36 किलोमीटर, तो उसकी लेंथ है, ठीक है, हाई एंड 21 उसकी विड्थ है, ठीक है, समझ में आया। नाउ आई एम रिपीटिंग फॉर यू, सो देयर थ्री मेजर फोर्ट्स आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, दैट इज रणथंभौर फोर्ट, देन मेहरानगढ़ फोर्ट एंड देन कुंभलगढ़ फोर्ट। नाउ रणथंभौर फोर्ट की कहां पे है? सवाई माधोपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। ओके, देन रणथंभौर में एक फेमस थ्री नेत्रा गणेश टेम्पल है, जिसमें हम लोग हमारे वेलबींग के लिए या हैप्पीनेस के लिए, सेफ्टी के लिए प्रे करते हैं पीपल। ओके, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। देन जो मेहरानगढ़ है वो सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्प्रेसिव, बहुत सुंदर फोर्ट है मेहरानगढ़। एंड कुंभलगढ़ जो फोर्ट है उसको आई ऑफ मेवाड़ बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो हाइट है वो 1100 मीटर हाई है सी लेवल से। ओके, तो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ये फोर्ट है। देन रणथंभौर में फर्स्ट शाखा यहीं पे कमेंट हुआ था। ओके, राजपूत रिचुअल, शाखा क्या होता है? राजपूत रिचुअल। देन मेहरानगढ़ की क्वालिटी, मेहरानगढ़ की जो वॉल्स है वो 36 मीटर हाई एंड 21 मीटर उसकी विड्थ है, जो बहुत सफिशियंट है किसी भी एनिमी अटैक को रोकने के लिए, एनिमी से सेफ रहने के लिए ये वॉल्स बनाई जाती है। ओके, और इन वॉल्स से बहुत सारे पैलेसेस भी सिक्योर होते हैं, मेहरानगढ़ की जो वॉल्स है। ओके, एंड देन कुंभलगढ़ में अगर आते हैं तो कुंभलगढ़ में ये जो महाराणा कुंभा ने बनाई है 15th सेंचुरी में, ये जो कुंभलगढ़ है फोर्ट, ये इन्होंने बनाया है। ओके, देन कम्स रणथंभौर। नाउ रणथंभौर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस बोल सकते हैं फॉर बर्ड वॉचिंग, या बर्ड लवर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, बर्ड वॉचिंग के लिए बेस्ट जगह है रणथंभौर। देन मेहरानगढ़ बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से बनी गई है, ठीक है, मेहरानगढ़ फोर्ट में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है जिनसे एनिमी का अटैक रोक सकते हैं या वॉच कर सकते हैं। ओके, एंड इसमें सेवन गेट्स है, सेवन हाई गेट्स। देन कम टू कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ में सेकेंड लार्जेस्ट, कुंभलगढ़ की जो वॉल्स है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के सेकेंड नंबर पे आती है, फर्स्ट इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड सेकेंड इज कुंभलगढ़। ओके, कुंभलगढ़ वॉल। तो आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी चैप्टर है, रीडिंग करेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। नाउ इस चैप्टर में एक और चीज दे रखी है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो ये तो हम सभी को पता है कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जो हमारे हेरिटेज साइट्स है, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वो प्रॉपर्टी है जो हमें एंसेस्टर्स से मिली है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हमें प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है ना, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, इसकी वॉल्स को खराब नहीं करना, या फिर जो भी इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर बने हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इनको प्रिजर्व करके रखना है ताकि फ्यूचर जनरेशन
जनरेशंस भी इसको देख सके, समझ सके इसकी इम्पोर्टेंस. ओके, सो बेसिकली हिस्टोरिकल जो हेरिटेज है वो एवरी सिटीजन की ड्यूटी है कि उसको प्रिजर्व करके रखे. ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको पेज नंबर 201 एंड 202 पे कुछ मैथ्स का फॉलोइंग एंड क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं. ओके, ये आपको अपने आप से सॉल्व करने हैं, देन मैं आपसे मीट पे पूछूंगी इनके आंसर. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है. रीडिंग जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपको अच्छे से समझ में और आएगा. ओके, थैंक यू, गुड लक.